बेटा नौ महीने में हुआ और ऑपरेशन से हुआ लेकिन वो आठ ही दिन में खत्म हो गया वो रहा ही नहीं पंचायत ने डिसीजन लिया कि इनको अपने माय के भेजा जाए क्यों क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे शायद तंग आ चुके थे ग्यारह बजे रात को मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर गई और रात को मैं आ गई की मैंने पॉइजन खा लिया अरे ये को तो तलाक होने हाय राम दो दो बेटियाँ है कैसे रहे एक वीडियो टकराया यूट्यूब से कमाई कैसे करें उस वीडियो ने शायद मेरी लाइफ बदल दी जीरो इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक सस्ते से मोबाइल से आज मैं लाखों रुपए कमाती हूँ और अगर आप YouTube में आना चाहते हैं तब तो आपको बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे राठ की 19 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की बेटी जिसे अपनी दो नन्ही बेटियों के साथ अपने पति से दो साल अलग रहना पड़ा जिसकी वजह से उसे समाज के कई तरह के ताने जैसे पति से अलग रहती है क्या करेगी दो दो बच्चों को लिए है कैसे संभालेगी इसका क्या होगा कई तरह के ताने सुनने पड़े और साथ ही में उसे आर्थिक और मानसिक उलझनों का भी सामना करना पड़ा जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था बल्कि शुरुआत थी अब ये कहानी मुड़ती है रसोई की तरफ जहाँ पर दो बच्चों को संभालते हुए एक सस्ते से मोबाइल से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की गई ये कहानी है छप्पन लाख दिलों पर राज करने वाली रक्षा की रसोई की तो एक ऐसी कहानी जिसे मुझे किसी को सुनाने में भी शर्म आती थी कि लोग हंसेंगे आज मैं पूरी दुनिया को सुनाने जा रही हूँ नमस्कार मैं हूँ रक्षा गुप्ता आज मैं रक्षा की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहा करते थे और मैं अकेली बेटी थी बहुत अच्छी मुझे परवरिश मिली अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया नाइन्थ क्लास में आई तब जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी तरह से हम लोगों को तोड़ दिया था मेरी सगी बुआ ने पापा के साथ बोला कि मेरे बेटे को काम करवा दीजिए तो पापा ने उसके उनके साथ व्यापार शुरू किया दो तीन साल व्यापार चला बहुत अच्छा चला लेकिन कहते हैं ना कि पैसों के सामने रिश्ते भी झुक जाते हैं बस वही कुछ हुआ हम लोगों के साथ भी सगी बुआ ने ही पापा के साथ पूरी तरह से बेईमानी की पूरी तरह से उनका व्यापार बर्बाद कर दिया तब जाके पापा को उरई को छोड़ करके दूसरे कस्बे यानी कि राठ जहां से मैं आई हूँ वहां शिफ्ट होना पड़ा अब स्थिति ये थी कि एक भी रुपए नहीं था हम लोगों के पास कैसे घर का खर्च चलता कुछ भी नहीं था पापा बिल्कुल घर पर बैठ चुके थे व्यापार करने के लिए भी पैसे नहीं थे वो वक्त बड़ा ही कठिन था मेरे लिए लेकिन भगवान की कृपा हुई मेरी मम्मी की नौकरी लग गई आंगनबाड़ी सहायिका में सुनने को बहुत ही छोटी सी नौकरी है आंगनबाड़ी भी नहीं सहायिका सिर्फ 600 सौ मिलते थे तो वो 600 सौ उस समय ऐसा लगता था कि शायद भगवान ने छः हजार के बराबर कर दिया और घर का खर्च चल जाएगा तो मम्मी सिलाई भी किया करती थी तो उससे कुछ खर्च चल जाता था जब मेरी बी आई तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा पापा मम्मी बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए तब मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी छोटे बच्चों को तो मेरे गांव के ही कुछ बच्चे थे जो उसी कस्बे में रहते थे फिर एक मोड़ और आता है मेरी शादी हो जाती है बीएससी फाइनल में तो मुझे लगता है कि आ, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अच्छे घर में शादी थी ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे तो थोड़ी सी शादी में नहीं आई पापा बोले वो बहुत पैसे वाले हैं हम लोग गरीब हैं उनके हिसाब के नहीं है बट नहीं मैंने कहा वही करना है तो वो जैसे तैसे शादी हुई लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा लेकिन वो अच्छा नहीं था मेरे लिए उस समय संघर्ष शायद सबसे ज़्यादा रहा क्योंकि माँ बाप के लिए आपको संघर्ष भले ही करना पड़े लेकिन समझ नहीं आता है कि आपने संघर्ष किया है शादी के बाद आपको जो संघर्ष होता है ना वो आपके खुद के लिए होता है आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है तब समझ आता है कि ये हमारी सच में संघर्ष है वही मेरे साथ हुआ वहां पहुंची मेरे पति का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं जब तक वो कुछ नहीं करता आपकी कोई वैल्यू नहीं है वही मेरे साथ हुआ वो कुछ नहीं करते थे घर पे बैठे रहते थे तो मेरे साथ ससुर ताना देने लगे तो इस दौरान मेरी बेटी हुई बेटी हुई तब और टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा घर का ही खर्च तो चलना मुश्किल है हालांकि जितनी कोशिश हुई मैंने सहन किया मैं साल साल भर अपने माए के नहीं गई मम्मी पापा आते थे बाहर के बाहर चले जाते थे uh, मेरी बेटी को लेने आते थे तो मैं समझ लो गहरी नहीं चढ़ पाती थी वो अंदर की मना किया हुआ था उन्होंने तो मैं बेटी को ऐसे दे देती थी वो अंदर नहीं आ पाती थी तो मुझे आंसू आ जाते थे इतना रोना आता था कि जिसकी एक बेटी वो अंदर भी नहीं आ पा रही है तो हम दोनों तो का झगड़ा हुआ हस्बैंड ने मेरे पापा को फोन करके बुलाया उन्होंने कहा आपका मैटर है आप सुलझाइए ना तो उन्होंने गाली गलौज कर दी पापा के साथ मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने पॉइजन खा लिया बट मैं बच गई मुझे ये नहीं करना चाहिए था फिर भी फिर भी मेरी ये गलती थी मैंने किया क्योंकि उस समय मुझे कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता था उस दौरान मुझे एक बेटा हुआ बेटा नौ महीने में हुआ और ऑपरेशन से हुआ लेकिन वो आठ ही दिन में ख़त्म हो गया वो रहा ही नहीं कारण डॉक्टर ने बताया ये बहुत टेंशन लेती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी तो वो मैच्योरिटी नहीं हो पाई बच्चे में तो इस चीज़ ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा झकझोर दिया क्योंकि एक तो मैं इस टेंशन में थी ऊपर वाले समाज के लोग आते थे तो वो ताने मारते थे बेचारी का ऑपरेशन हो गया लड़का भी नहीं रहा लड़का हुआ था बताओ तरह तरह के ताने सुनने को मिले फिर एक साल बाद मेरी दूसरी बेटी हुई अब लगा कि दो दो बेटियां हो गई खर्च बराबर है उतनी कमाई है नहीं कैसे चलेगा लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है एक जो जी कॉलेज होता है गवर्नमेंट uh, मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अच्छी खासी ट्यूशन आने लगी तो मेरा खर्च चलने लगा लेकिन uh, मेरे बच्चे के स्कूल की वजह से मुझे वो स्कूल uh, छोड़ना पड़ा मैं नहीं पढ़ा पाई वहाँ पर फिर मैंने बैंगल्स uh, बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब से देख करके तो मैंने उसको फिर यूट्यूब uh, पर सर्च किया गूगल पर सर्च किया कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करें तब मुझे एक वीडियो टकराया यूट्यूब से कमाई कैसे करें उस वीडियो ने शायद मेरी लाइफ बदल दी मेरे मन में मैंने बहुत वीडियोस देखे मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता था लोग कहते थे चैनल को सब्सक्राइब करो मैं बोलती थी क्यों करूं इनको ये कह रहे हैं इनको फ़ायदा होगा मुझे नुकसान ना हो जाए मेरा कुछ चला ना जाए मैं नहीं करने वाली सब्सक्राइब तो मैं सब्सक्राइब भी नहीं करती थी किसी की चैनल को डर की वजह से लेकिन जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से कमाई करते हैं तो फिर मैंने उस चीज़ को डीपली देखा क्या है क्या नहीं उसको समझा तो इतना समझ में आ चुका था कि यूट्यूब से कमाई होती है और ये फेक नहीं है इतना कहीं ना कहीं समझ में आ गया था लेकिन अब इतने छोटे से शहर से थी पढ़ी लिखी तो थी लेकिन कोई इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं आती है कि आपके साथ बाई फेस बात कर सकूं या किसी से बात कर सकूं और कोई भी सुविधाएं नहीं है हमारे शहर में और मैं ए बी सी डी भी नहीं जानती थी यूट्यूब का कि कैसे क्या होना है तो फिर मैं मोबाइल से ही सीखती रहती थी दिन भर तो मेरे हस्बैंड कहते थे हम लोग बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते थे जो का करती रहती दिन भर मोबाइल से बच्चा संभालो जो सबका हो इनसे से नहीं हो ना ऐसे हो तो बाहर काय को डले सब लोग तो डांटने लगते थे तो मुझे लगता था अब ये डांट रहे हैं तो उनके सामने मोबाइल रख देती थी लेकिन जब बच्चे रात को सो जाती थी, थी दोनों बेटियां और हस्बैंड तो फिर मैं मोबाइल उठाती थी वो लगन ऐसी लगी थी कि नहीं कुछ तो सच्चाई है यूट्यूब में करके दिखाना है मुझे तो बस उसी से मैंने धीरे धीरे सीखा दिन रात सीखा कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये ट्राईपोट क्या है थमनील क्या है कुछ भी नहीं आता था और मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं थी वीडियो कुकिंग वीडियो तो मैं सोच ही नहीं सकती थी तो उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी का ही अनुभव था तो मैंने प्रेगनेंसी के वीडियोस डालना स्टार्ट किए एक चैनल थी मेरी हेल्पिंग आई टी वी उसमें मैंने स्टार्ट किए लोगों ने बहुत पसंद किया उसको क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सच में मेरे साथ हुई थी और लोगों को फेस करनी पड़ती हैं डॉक्टर भी नहीं बताते इतना डीपली तो मैंने वो बताया तो लोगों ने बहुत पसंद किया तो वो चैनल ग्रो कर गई एक ही महीना हुआ उसमें वीडियो वायरल हो गए बड़ी खुशी थी माहौल था कि चलो मोनिटाइजेशन हो जाएगा हस्बैंड को बताया तो उन्हें एक तो डांटते थे लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास तो रहता ही है कि जब वो इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही तो हो सकता सही हो लेकिन खुशी कब गम में बदल गई पता नहीं चला क्या हुआ हम लोगों का ऐसा झगड़ा हुआ कि वो झगड़ा पहुंचा सीधे समाज में समाज के लोगों को बुलाना पड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोनों फैमिली में वो झगड़ा बढ़ गया और एक पंचायत बुलाई गई हमारे समाज की उस पंचायत ने डिसीजन लिया कि इनको अपने मायके भेजा जाए क्यों क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे शायद तंग आ चुके थे हम दोनों के झगड़े से कहते हैं ना जब स्थितियाँ ख़राब होती हैं तो एक दूसरे का चेहरा भी बुरा लगता है उस समय ये स्थिति थी कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे उन्होंने साफ कह दिया था कि इसको ले जाओ इसी वक्त वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा तो 11 बजे रात को मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर के जो भी हाथ में कपड़े अपने थोड़ी बहुत बच्चों के बचे वही वो लिया और मैंने अपनी डिग्रियां उठाई सिर्फ मैंने और कुछ नहीं लिया सिर्फ डिग्रियां उठाई और बच्चों के कपड़े उठाए और रात को मैं आ गई लोकल में ही मेरा मायका था थोड़ी ही दूरी पर ठीक है यहाँ आ गए उसके बाद मैं दो साल अलग रही अपने हस्बैंड से उसके बाद मुझे इतने ताने सुनने पड़े लोगों को पता नहीं था कि मैं सक्सेस हो रही क्योंकि मैं बहुत छोटे रूप में सक्सेस थी तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी लोगों ने इतनी बातें शुरू की छह महीने बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए मेरे दो दो बच्चे हैं तो मैंने बहुत कोशिश की एक होने की पापा ने भी बहुत कोशिश की समाज के जरिए करवाई लेकिन वहाँ से जब खुद कहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं तो अगले इंसान के भाव बढ़ जाते हैं ऐसा कुछ होता है थोड़ी बहुत निपटाने की कोशिश की तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत कह दिया होगा कि हमें नहीं रखना बहू को या हमें तलाक चाहिए फैमिली वालों ने बोल दिया हस्बैंड ने नहीं बोला तो अब समाज के लोग और भी उल्टा सीधा बोलने लगे अरे ई को तो तलाक होने हाय राम दो दो बिटियाँ हैं कैसे रहे बेचारी को आदमी रखत नहीं है अपने पास तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे मैंने सबको फेस किया कभी कभी लगता था कि बिल्कुल सुसाइड कर लूँ इतनी बुरी लगती थी ये बातें कि घर वाले रख नहीं रहे मुझे क्या होगा मेरी बेटी होगा कैसे जीऊँगी सच में लगने लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम में इतनी ज्यादा भी सक्सेस नहीं थी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर हिम्मत पापा बना देते थे कि सब सही होगा तुम सब्र तो करो पापा ने बहुत सहयोग किया मेरा तुम सम्र तो करो बस तुम काम पे फोकस करो मैंने जब शुरुआत की थी वीडियो बनाने की तो मेरे पास बहुत ही सस्ता सा मोबाइल था सिर्फ आठ हज़ार रुपये का वो मुझे कैसे मिला जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो उस टाइम टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी तो मेरी सासो माँ ने कहा इसका कुआ पूजन करना है तो मैंने मना कर दिया मैंने कहा मम्मी नहीं करना मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा था किसी और वजह से भी था तो मना कर दिया तो हमारे यहाँ पथ आता है मायके से तो मैंने मम्मी से बोला कि कुआ पूजन नहीं होना है ना ही आप मुझे पथ दीजिए मुझे सिर्फ एक सोने की चैन बनवा दीजिए और एक मोबाइल दे दीजिए तो मम्मी ने आठ हज़ार का मोबाइल दे दिया बस मोबाइल मिल गया हाथों तो में जियो आया हुआ था तो नेट भी मिल गया फिर क्या रक्षा दौड़ पड़ी रक्षा की रसोई की तरफ जब मैं कुकिंग के वीडियोज़ बनाती थी तो उसमें मुझे बहुत परेशानियाँ आती थी सबसे पहली परेशानी मेरे पास बहुत अच्छे बर्तन नहीं थे क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है हम लोग बहुत हाई फाई नहीं है हम क्या वहाँ आसपास सभी लोग ऐसे ही हैं तो पुराने ज़माने की मम्मी लोग हैं तो पुराने जमाने की कढ़ाई अड़ाई रखी रहती हैं किनारे वो जली हुई हैं कोई स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल होता है और जब तक आप पैसे कमा नहीं लेते तो खर्च करने में भी मज़ा नहीं आता मैं बहुत कंजूस हूँ आज मैं इतना कमाती हूँ फिर भी हिसाब से ही रखती हूँ सब कुछ तो मेरे पास ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं थी और जो गैसेस थी वो भी सब ऐसे ही थी किचन भी है तो बनाना भी नहीं आता था वीडियो कुछ नहीं था लेकिन मैंने क्या किया मैंने कुछ कभी भी हाई फाई रेसिपी पे फोकस नहीं किया मैंने ये नहीं देखा कि दूसरे क्या बना रहे हैं मैंने हमेशा वो चीज़ बनाई मेरे घर पर क्या बनता है अगर आप एक यूट्यूबर हैं या बनने की सोच रही हैं मेरी तरह तो एक चीज़ याद रखिए कि आपके घर में जो बनता है वो लोगों के लिए नया है क्योंकि हर किसी का खान पान अलग होता है इसलिए मैंने घर पे जो बनता था मेरे पापा कुकिंग बहुत करते हैं घर पे हम लोगों के लिए कभी मसाले ही छौक देते हैं कभी कुछ बना देते हैं तो मैं वही शूट करके डाल देती मुझे बोलना भी नहीं आता था अगर आप पुराने वीडियोस मेरे देखेंगे तो सच मानिए आपको बहुत ही हंसी आएगी ना बोलने की कोई आता था ना ही बनाने का कोई तरीका था जैसा था बिल्कुल मैंने डाल दिया लेकिन लोगों ने मेरी रेसिपी पर फोकस किया मेरे दिखावे पर नहीं और आज भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे मुझे ज़्यादा दिखावा आता ही नहीं है मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ अकेले ही एडिटिंग करती हूँ सब कुछ अकेले करती हूँ मेरी किचन इतनी छोटी है कि ट्राईबोर्ड एक रिंग लाइट भर बनती है उसके अलावा आप सोचे कि कोई टीम मैं अरेंज करूं तो मेरे पास कुछ नहीं है मैं खुद ही सब कुछ करती हूं और आज भी मेरी आदत है कि अगर मुझे वही कढ़ाई मिल जाएगी नई धुली है बेट नहीं आई है तो मैं वही ले, ले लेती हूं वही स्टील की प्लेट मिल जाती है तो मैं वही ले, ले लेती हूं किस तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन था तो मुझे किसी ने बताया था जो अदर यूट्यूबर्स थे कि वो इक्कीस तारीख़ को मेल करता है यूट्यूब कि आपका जो पेमेंट है हंड्रेड डॉलर हो गया है तो आपके बैंक में भेज दिया जाएगा तो बर्थडे के दिन सारे गेस्ट चले गए थे तो मैं रात भर मेल का इंतज़ार करती रही पूरी रात YouTube की तरफ से कोई मेल नहीं आया अब पहली बार था तो इतना डर लग रहा था कि सबके सपने टूट जाएंगे सब कुछ बिखर जाएगा शायद ऐसा लग रहा था कि इसी पे सबके सपने आ, मतलब सच चुके हैं तो पूरी रात मेल नहीं आई और पूरी रात मैंने जागा और भगवान का नाम लिया मैं भोले बाबा की भक्त हूँ तो बस उन्हीं का नाम लेती रही सुबह सात बजे यूट्यूब का मेल आ जाता है तो मैं मैंने मेल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और अगले दिन ही बैंक में पेमेंट आ जाता है तो मैंने पापा को बोला पापा मेरे साढ़े अठारह हज़ार रुपये बैंक में आ गए हैं आप जल्दी से आ जाइए और मुझे बैंक लेके चलिए तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई उन साढ़े अठारह हज़ार रुपये में कि आज जब मैं लाखों कमाती हूँ तो उसमें मुझे वो खुशी नहीं होती है मैं मेरे माइंड में एक दिन आया कि मेरे बापू थे मतलब हम मेरे दादाजी हम लोग बापू बोलते हैं उनके तो वो भगवान के पास चले गए अभी है नहीं लेकिन वो चाय बहुत अच्छी बनाते थे जब हम लोग जाते थे उनकी चाय पूरी गाँव पीने आता था उनकी चाय एक एक घंटे में बनती थी बहुत धीमी आँच में वो चूल्हे में पकाते रहते थे तो वो चाय हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी पूरा गांव दीवाना था उनकी चाय का तो मैंने अपने बापू की चाय ही डाल दी और कुछ बुंदेलखंडी भाषा के शब्द यूज कर दिए जैसे हम लोग बुंदेलखंडे बोलते हैं अदरक के अच्छे से कुचर दो ऐसे बोलते हैं तो लोगों को खूब पसंद आई लोगों ने कमेंट भी किए किसी ने बुरे किए किसी ने अच्छे किए कुचर दो लो मैम क्या कह रही कुचर दो और ये सब बातें बताएं कि बापू बहुत देर तक चुराते चाय के तब बहुत अच्छी लगती मतलब बुंदेलखंडी भाषा में तो लोगों ने उसको खूब पसंद किया वो वायरल हो गई वायरल हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि आप और वीडियोज़ डालना चाहिए तो मैंने और स्टार्ट किया धीरे धीरे वो भी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगे व्यूज़ आने लगे पता ही नहीं चला कि रक्षा की रसोई कब जीरो सब्सक्राइबर से मिलियंस में पहुंच गई तो अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ हैं और आपने भी कई तरह से संघर्ष किया हुआ है आपको भी लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो सबसे पहली बात मन में आप अपने ऊपर विश्वास रखिए मेन पॉइंट होता है अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे विश्वास के साथ साथ ये सोचिए कि मैं जो कर रही हूँ पूरी लगन से करूँगी और पेशेंस के साथ करूँगी और अगर आप YouTube में आना चाहती हैं तब तो आपको पेशेंस रखना ही होगा क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला हो सकता है आपको साल भर मेहनत करनी पड़े हो सकता है दो साल भी मेहनत करनी पड़े हो सकता है वो महीने भर में ही सब कुछ हो जाए ये आपकी किस्मत और समय पर डिपेंड करता है जैसा कि मेरे साथ हुआ कि महीने दो महीने में ही मुझे सक्सेस मिल गई तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास अच्छे अच्छे बर्तन नहीं है मेरे पास अच्छी किचन नहीं है कुछ भी जरूरत नहीं है अच्छा होने की आजकल आपने देखा होगा कि विलेज जो चैनल होती हैं विलेज चैनल उसमें जो आ, कुकिंग वीडियोस चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं लोग बहुत पसंद करते हैं विलेज चैनल को क्यों क्योंकि लोगों को आ, उनका कंटेंट नज़र आता है लोगों को ये सब वातावरण अच्छा लगता है तो आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पास हाई फाई हर चीज़ होनी चाहिए आप अपनी रेसिपी पर फोकस करिए नया से नया करने की कोशिश करिए और नया क्या है जो आपके घर में बन रहा है वही नया है क्योंकि हो सकता है आप आपके यहाँ कोई ऐसी रेसिपी बनती हो सबके यहाँ अलग अलग खाना बनता है वो मेरे यहाँ नहीं बनती है और जो मेरे यहाँ बनता है हो सकता आप है आपके यहाँ ना बनता हो तो पहले हम अपनी चीज़ पहुँचाएं ना लोगों तक क्यों हम दूसरों की चीज़ों को पहुँचाएँ जैसे शाही पनीर है सबको ही जानता है लेकिन कुछ पनीर आपके यहाँ अलग तरीके से बनती होगी आप अपनी पनीर डालिए ना वो लोगों को नया लगेगा तो स्टार्टिंग में क्यों खर्चा करना जो घर पे बन रहा है वही डालिए ना और बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है जो आपको बिल्कुल सादा सा जो घर का खाना है वो डालिए फिर आप बाद में कुछ नया करने की सोचिए कुछ नई चीजें ट्राई करिए उसको बनाइए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी किचन अच्छी नहीं है गैस है कि नहीं उसमें चूल्हा है बस उसको आप कैमरे मोबाइल को लगाइए मोबाइल भी महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल सस्ता सा है एक दो सौ ढाई सौ रुपये की टॉर्च आती है सभी घरों में होगी साइड में वो रख लीजिए स्टार्टिंग आप उससे करिए तो जब आप लाखों कमाने लगेंगे ना तब आप खर्च करिए जैसे मैंने आज मैं लाखों कमाती हूँ अब जाके मैंने अपने लिए छः महीने पहले एक कैमरा लिया हुआ है अभी तक मैं मोबाइल से ही बनाती थी वो भी मुझे आज भी कैमरे की कोई नीड नहीं है बट मैंने ले लिया कि सब लोग बोलते थे इतनी बड़ी यूट्यूबर है कैमरा भी नहीं है आज भी मुझे पापा से दस दस रुपए मांग करके खर्च करना बहुत अच्छा लगता है सौ रुपए चाहिए हो चाहे हज़ार में पापा से बोलती हूँ पापा सौ रुपए है क्या तो पापा हंसने लगते हैं देखो जो लाखों कमा रही पूरे घर का घर का खर्च चलाती है सबके लिए इतना करती है वो मुझसे सौ सौ रुपए मांगती है लेकिन मुझे जो सुकून पापा से आज पैसे मांगने में मिलता है वो सच में खुद के खर्च करने में मज़ा नहीं आता इसलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है आप समझ सकते हैं कि पति के बिन दो दो बच्चों के साथ अलग रहना समाज के ताने सुनना कितनी बड़ी चीज़ होती है आज वही समाज मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता वही समाज वही ससुराल वाले वही सब कोई मेरी इतनी तारीफ़ करता है कि आप सोच भी नहीं सकते तो उसके बाद जब मेरी बेटी का दूसरा जन्मदिन आया तो मेरे हस्बैंड उस बर्थडे में आए हम लोगों के जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है इस तरीके से मैंने जीरो सब्सक्राइबर से छप्पन लाख सब्सक्राइबर तक का मुकाम हासिल किया और आज मैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक सस्ते से मोबाइल से मैंने इतने वीडियोस बनाए और इस मुकाम तक पहुंची हूं कि आज मैं लाखों रुपए कमाती हूं। तो आज सभी को ये नज़र आता है कि रक्षा की रसोई एक बहुत बड़ी चैनल है लाखों रुपए कमाती है लेकिन उस एक सब्सक्राइबर करके ये फैमिली बनाई है इतना संघर्ष करके ये अपने आप को इस मुकाम तक लाया है वो शायद किसी को नज़र नहीं आता तो बस आपको भी यही करना है और आप आज से ही शुरुआत करें तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा पंछी से कैसे बना घोंसला बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका, तिनका उठाना पड़ता है तो आप भी इन लाइनों को याद रखिए और इन लाइनों को याद रखते हुए शुरुआत करिए तिनका तिनका करके आप भी एक मुकाम जरूर हासिल कर पाएंगे अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ऑंट्रप्रिनर बनने का या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का रोड मैप मिल चुका है तो रुकिए। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम सबको एक स्किल का आना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन एक ऑन्ट्रप्रनर के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है और आज के हाइपर कनेक्टेड जमाने में इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी ग्लोबल स्किल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल स्किल को सीखने के लिए और अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जोर स्टॉक्स के पास हम सभी के लिए एक सोल्यूशन है स्किल्स ऐप भारत का नंबर इंग्लिश लर्निंग ऐप है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं जो स्किल्स ऐप पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो भी अन्य स्टूडेंट्स के साथ घबराइए मत इस कॉल का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा ये आपके स्टडी मटेरियल के साथ ही इंक्लूडेड होगी कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होना और खुद पे की गई हुई इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती और ना ही कोई हमसे उसे छीन सकता है तो चलिए दोस्तों हम सभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की ओर एक कदम बढ़ाए अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बनाकर विद जोर्सिल पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आज ही शुरू करें।